हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपना अगला स्टॉक कौन सा। अपना अगला स्टॉक है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर की बात करें तो 4 दिन पहले ये मैं वीडियो बनाया था, ये लेवल पर जब आया था तब ये वीडियो बनाया था। इसका स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट का वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लास्ट में रिकमेंड कर दूंगा। एक बार वीडियो को देखिए, उसमें उसकी एनालिसिस कैसे है। बट अभी क्या कर सकते हैं, अभी कर ये सकते हैं, इसमें इसको डिलीट करते हैं। अभी आपका मूवमेंट कहाँ 1200 का दे दिया है। 1200 देने के बाद ये 1217 के ऊपर क्रॉस करता है तो आप इसमें बने रहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो होना चाहिए 1117, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। लंबा शेयर है तो जैसे इसके नीचे आप एग्जिट कर लीजिए और फिर एंट्री बनाएंगे। एंट्री कहाँ बनाएंगे, एंट्री बनाने के लिए फिर ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए। जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो फिर आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन मान लिया, अगर यहाँ से डाउन फॉल होता है तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा। तो फिर अभी आप बने रहिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप निश्चिंत होकर बैठिए आराम से। ये शेयर पावर सेक्टर का शेयर है, बहुत ऊपर तक जाएगा। टारगेट आपका 1300-1400 तक मिल सकता है। बट आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। कल अगर ये क्रैश करता है तब तो होल्ड कीजिए, इसके 1117 के नीचे आता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। जैसे 1050 के पास आता है आप फिर से एंट्री बना सकते हैं उसमें। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, एंट्री बनाते रहिए, तो स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहेगा आगे। और 1217 क्रॉस करता है स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। बाकी प्लीज वीडियो को एक बार देख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।